हेलो दोस्तों, मैं हूं मनोज। फिर से स्वागत करता हूं आपको छिनल टीवी में। आज हम बात करने वाले हैं इतना बड़ा बात कि जो हमारा देश का दोनों चूतिए के बारे में आज हम उनको इनवाइट करेंगे और हम उनके साथ डिस्कशन करेंगे, जिसका गाना और जिसका रैप सुनने के बाद आपका कान सीखे आपका गान में भी निकल जाएगा। जो हमारा लेडी सिंगर है और जिनका नाम सुनते ही आपका खड़ा हो जाएगा। अरे बहन की, अरे जा रहा हूँ, अरे मारने जा, रुको। मादर चोदो, कितना बघटिया बात किया साले चूतिया। अभी मेरा चल रहा था काम, इधर मियां खलीफा का नाम लेके कितना गांड मस्ती कर दिया बहुत सड़ी के, अभी देखना क्या करूंगा। ठीक है गाइस, चलो हमारा बात करते हैं। उनका नाम है नेहा कक्कड़ और जो हमारा देश का जो सिंगिंग कर करके सबका गांड फाड़ दिए हैं वो है नेहा कक्कड़। और जो रैप के बारे में बता रहा हूँ, हनी सिंह के बारे में, आज देखते हैं कैसा होता है उनका रैपिंग और उनका संगीत। चलो उन लोग से मिलेंगे जरूर और ले लेते हैं उस टाइम में थोड़ा ब्रेक। Few moments later. तो ब्रेक के बाद हम लेते हैं फिर से छिनाला टीवी में। मैं हूं मनोज, आज डिस्कशन करेंगे नेहा कक्कर और हनी सिंह के बारे में। तो गाइज, ये मिलिए हम हमारा नेहा कक्कर से। दाद गिर जाएगा, पान खा के विमल खा कर। तो फिर नेक्स्ट में मिलते हैं हम। हमारा जो देश का रैपर है, जो रैप का स्टार्ट किए थे वो रैप नहीं थे, वो गांड फट रहे थे, है ना। जो गांड सबका फट जाता है, जिसका खड़ा नहीं होता है वो गाना सुनने के बाद भी वो खड़ा हो जाता है, या ऐसे करके कुछ भी गाना गाते थे। तो उनका नाम है हनी सिंह। वो देखिए, मिलिए हनी सिंह से। यो हनी सिंह, हेलो। माधर ये मत कर, कैसा गांड मार मस्ती करके रखा है साला, कुछ भी रैप चालू कर दिए साला, तू नहीं था ना। रैप कुछ भी नहीं आ रहा था साला, कुछ भी नहीं चल रहा था। घोसड़ी के ऐसा घोसना साला, बच्चा पैदा होता तो ये रैप में तेरे मार चुता हूँ, कुछ भी करके रैप करके चालू कर दे। गांड मस्ती मत कर, ये छिनल में तेरा गांड फाड़े के रखेंगे। तो चलिए अभी हम डिस्कशन करते हैं नेहा जी के साथ। जी हाँ नेहा जी, बोलिए मेरे को कि आपका जो गाना ऐसे कैसे फेमस हुआ और आप कैसे क्या मतलब ऐसे जल्दी बढ़ गए, ये चीज़ें मेरे को बताइए। मेरे ये खूबसूरती की ये सीक्रेट है कि जैसे कि मैं गाना सुनता, पहले कभी मेरे को गाना में कुछ नहीं गए थे, बट मैं सबको जब कहने लगा तो मेरे को लेने लगे कि मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि अच्छा गाना गाऊँगा, अच्छा नाम रोशन करूँ मैं, और ये सब चीज़ें काटा लगा हुई माहौल में। ये जो हनी सिंह जी से पूछे ना कि कैसे हुआ था, क्योंकि हमारा रात दिन एक साथ में उमा करके चले जाता है। तो अभी गाने को प्यार दीजिए और सपोर्ट भी दीजिए, और अभी उसके लिए मैं एक गाना भी गाना चाहूँगा और ये गाना मेरे खूबसूरती के लिए। मैं अभी हो चुका के आया हूँ, मेकअप ज़्यादा करके आया हूँ, तो मेकअप में नहीं दिखा सकता, तो इसलिए मैं ये गाना आपके लिए डेडिकेट करूँगा और मैं चेहरा नहीं दिखाऊँगा। और मेरा विमल गुटखा का रेट भी ज़्यादा बढ़ गया है, इसको लेना होगा तो मेरे से ले सकते हैं, मैं फ्री में दूँगा। मेरे को बस विमल और पान का पैसा देना पड़ेगा। ठीक है भाई, तो चलो मैं गाना गाता हूँ आपके लिए। चलो ले चले तुम्हें तारों के सर में, धरती पे ये दुनिया हमें गाड़ बनाने ना देगी। तो आप देख रहे होंगे आज नेहा जी ने मुंह छुपा के आए हैं, क्योंकि उनको शर्म लग रहा है कि इतना फाड़ू गाना गाते हैं, ये करते हैं। तो गाइस, हम अभी हनी सिंह जी से बात करेंगे और ये जो ये मुंह छुपा के आए हैं कि मतलब आप समझ नहीं पाएंगे, ये ज़्यादा पान और विमल रहते हैं, इसी के वजह से उनका दांत ख़राब है और फेस में मेकअप इतना लेते हैं तो कपड़ा लगाए हैं, अभी खुलेंगे तो मेकअप निकल जाएगा। अभी आप देख सकते हैं, अभी हम डिस्कशन करते हैं हमारा यो रैपर के बारे में हनी सिंह के साथ, और उनका क्या मतलब उनका क्या बात करना है, उनसे क्या बोलना है, और उनका सिंग सॉन्ग मतलब उनका रैप कैसे फेमस हुआ, उनका सब चीज़ें कैसे मतलब वो कैसे वायरल होते हैं, और दिन के दिन क्यों मोटा हो रहे हैं, और अभी मतलब क्या उनका मतलब जो बीच में क्यों सॉन्ग बंद कर दिए थे, ये चीज़ें हम उनसे डिस्कशन करना चाहेंगे। तो हनी सिंह जी, आप मेरे को बताइए कि आप अभी ऐसे अभी जो नया गाना ला के आए हैं और जो नेहा कक्कर जी के साथ आप जो गाना लेके आए हैं कि ये सब जो अपना काटा लगा उइमा उसका गांड में काटा लगता है, उसमें क्या सोच के आप वो काटा लगा उइमा और ये बड़ुई के साथ आप क्यों बनाए गाना, मेरे को थोड़ा बता सकते हैं जी, बोलिए। यो हनी सिंह,
तेरी आंखों में दिखा तो मैं बात करता हूँ, मैं लौंडा नहीं तेरी मैं गांड मारता हूँ, नया घर लिया हूँ चल उधर जाते हैं और दोनों गांड मारा मरी होते हैं।